ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैनब डिशडे। ज़ैनब डिशडे में आज मैं एक अपने टाइप की गार्लिक ब्रेड बनाने जा रही हूँ, जो स्टफ़ भी है। तो इस वक्त जो है हम लोग, मैं इसको डिनर में यूज़ करवाऊँगी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको आपके साथ भी शेयर कर लूँ। इसलिए जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी, प्लीज़ आप स्टेप वाइज इसको देखते जाइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आपको बहुत पसंद आएगी जब आप बनाएंगे। मैं सादे से इंग्रेडिएंट्स हैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास पिज़्ज़ा डो है, जैसा कि मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, ये वही वाली पिज़्ज़ा डो है एज इट इज़ मैंने बनाई हुई है। मेरी एक ही रेसिपी है जो मेरे पास पड़ी हुई है। ये मेरे पास थोड़ा सा ग्रीन स्प्रिंग्स पड़े हुए हैं, ग्रीन ऑनियन जिसे बोलते हैं। ये मेरे पास चिकन है जिसको मैंने ब्लैक पेपर और नमक के साथ बॉयल कर दिया और उसके बाद मैंने उसको श्रेडेड कर दिया है। और ये मेरे पास रफली मैंने मोज़रेला चीज़ रखा हुआ है, जितनी मुझे ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से मैं इसके स्ट्रिंग्स यूज़ करूँगी और बाकी का जो है वो रख दूँगी। ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है। ये पिज़्ज़ा सॉस थोड़ी सी स्वीट एंड सॉर है, ये आम पिज़्ज़े की सॉस की तरह सॉस नहीं है, ये थोड़ी मीठी भी होगी, थोड़ी सी तुर्श भी होगी। इसके अलावा मेरे पास ये थोड़ा पड़े हुए हैं पेपरोनी पड़ी हुई है जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया, क्योंकि मैंने अपना जो है मेरी गार्लिक ब्रेड उसको मैंने स्टफ़ करना है, पिज़्ज़े की तरह नहीं बनाना, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने मिक्स करके उसमें डालनी है, तो उस लिहाज से मैंने इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया। ये ऑरिगैनो है मेरे पास, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे पास ये पड़ी हुई है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है ज़ातर। ज़ातर जो है इसको मैंने ऑलिव ऑयल में विद गार्लिक और हल्का सा ब्लैक पेपर्स और पेपरिका, जो रेड चिली यूज़ करने हैं, पेपरिका यूज़ करने हैं, सब टू यू, ये सब चीज़ें हैं। और मैं इन्हीं के साथ बहुत सादा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, स्टेप वाइज करती जाऊँगी, साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि मैंने क्या क्या, कैसे कैसे, किस तरह किया। तो अब मैं अपनी रेसिपी की तरफ जाती हूँ। देखिए, मैंने इसमें से अपने फर्स्ट गार्लिक ब्रेड की, जिसको मैं एक बड़ी ट्रे के अंदर बनाने जा रही हूँ, मैंने उसके लिए ये एक पेड़ा लिया है। इसको मैंने थोड़ा सा हाथों के साथ, क्योंकि ये माशाल्लाह कितना मेरा नरम और कितना फूला हुआ है, हालांकि मुझे इसे बनाए हुए सिर्फ एक डेढ़ घंटे से भी कम हुआ है टाइम, इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम कर दूँगी और दो लेयर्स इसकी जो हैं वो मैं तैयार कर दूँगी इस तरीके से, ठीक है। इनको मैं ज़रा बेल लूँ, फिर उसके बाद मेरी आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ये मैंने अपनी फर्स्ट लेयर जो है उसको मैंने बेल लिया है, इसको साइड पर रख के अपनी दूसरी लेयर जो है अब उसको तैयार करना शुरू कर दूँगी, और इसको तब डालूँगी जब मैं इसकी फिलिंग कर लूँगी, और फिर उस आगे मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह। मैंने पहले लेयर के ऊपर बहुत ही कम, जैसे हम पिज़्ज़े के ऊपर लगाते हैं, मैं उस तरह इसके ऊपर लगाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सॉस यूज़ नहीं करनी है। तो आप समझ लें कि मैंने 4-5 बनाने हैं और आप देखें कि कितनी कम सॉस रखी हुई है मेरे पास। इसको बस मैं इस तरीके से करूँगी, उसके बाद मैं इसके अंदर जो मेरे शर्ट की हुए चिकन है इनको डालूँगी, उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़े से पेपरोनी डाल दूँगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसे सब पसंद करते हैं। साथ ही ग्रीन ऑनियन डाल दूँगी इसके ऊपर मैं। ये मैं दो तरह का बनाऊंगी, एक मैं विद ज़ातर बनाऊंगी, एक विदाउट ज़ातर बनाऊंगी। मैं नीचे की तह पर भी थोड़ा सा ऑरिगैनो डालूंगी, आपका दिल चाहे इसमें ग्रीन चिली इस्तेमाल करें, मैं भी हस्बैंड के लिए जो बनाऊंगी उसमें ग्रीन चिली यूज़ करूंगी। अभी मेरे पास बिल्कुल एक तह जो है वो रेडी होगी, इसको मैं उठा लूँगी, और ये सेकंड तह जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसके ऊपर उसको बिछा दूँगी। अभी देखिए, मैंने इसके ऊपर दूसरी जो अपनी तय है उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया इसके ऊपर। अब मैं इसके साथ इसके अंदर इस तरह से बना दूँगी। ओके, इस कंडीशन पर जब ये पहुंच जाए तो मैं इसके ऊपर अपना ये मेरे पास बटर और गार्लिक का मिक्सचर पड़ा हुआ है, मैं इसको खूब अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी और साथ थोड़ा चीज़ डालूंगी, डबल कोटिंग करूंगी इसकी भी मैं, ताकि ये मुझे अच्छा, बीच में कुछ चंक्स मेरे रह गए हैं, नो मैटर, मैं बाद में इनको फिल कर लूँगी, ठीक कर लूँगी इंशाल्लाह। अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से
बटर अपना मजेदार चीज जो है उसको लगा दूंगी ऊपर से थोड़ा सा। पहले मैं थोड़ा सा इसके अंदर और बटर स्प्रेड ऊपर से ड्रिजल कर दूंगी थोड़ा, ताकि जो हमारा चीज़ है वो भी थोड़ा गार्लिकी सा टेस्ट दे हमें ना ऐसे। फिर उसके बाद इसके ऊपर मैं ओरिगैनो थोड़ा सा डालूंगी जस्ट ऐसे, क्योंकि अंदर हम ऑलरेडी, और साथ ही मैं इसके ऊपर ये डाल दूंगी और इसको कम से कम मैं 20 मिनट के लिए अपने, क्योंकि ये डबल लेयर है इसलिए इसको मैं 20 मिनट्स के लिए अपने 180 डिग्री पर गर्म हुए हुए ओवन के अंदर पकने के लिए रख दूंगी। इंशाल्लाह ताला जब ये बन के आएगा आपको बहुत मज़ा देगा। ये सेम जिस तरह मैंने उसकी स्टफिंग बनाई है इसी तरह मैं इसकी भी बनाऊंगी। हाँ जी, ये पहले मैं इसके अंदर बटर जो है गार्लिक का इसका पूरा स्प्रेड करूँगी इसके ऊपर, उसके बाद ये ऑलिव ऑयल के अंदर मेरे पास जाकर पड़ा हुआ इसको मैं एक एक के ऊपर करके लगा दूंगी। जी बेबी, यस बेबी, यस बेबी। ये देखिए माशाल्लाह से ये मेरा गार्लिक ब्रेड जो बनी है ये मेरी स्टफ बनी है और इसका क्रस्ट आप देख सकते हैं। मैं अगर आपको आवाज़ सुना सकूं तो आप देखिएगा कि किस कदर इसका मज़ेदार क्रस्ट है। सिर्फ ये जो गार्लिक ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा, ये देखिए वो है उसके साथ इसकी क्रंची कितनी ज़्यादा है ये ना। तो आप ये मैंने ज़ातर के साथ बनाई है, ये जो है मैंने सादी बनाई है, आपकी मर्ज़ी है आप इसके साथ जो जो भी अगर आपको ज़ातर के अच्छा ना लगे, लेकिन हम क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज़ातर के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर अलग से फिर से आपको थोड़ा सा बटर जो है वो यूँ डाल देना चाहिए, तो ये इतना टेस्ट आपको देगी ये वाली ब्रेड भी और ये वाली ब्रेड भी कि आप मुझे याद करेंगे कि मैंने कोई रेसिपी आपको दी थी, और आप माशाल्लाह से खुश होंगे ये खा के इंशाल्लाह ताला, मुझे इसका यकीन है। तो आई होप कि आज की रेसिपी जो है गार्लिक स्टफ गार्लिक ब्रेड जो है ये आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ इसको यूज़ कीजिएगा, बनाइएगा और पूरी रेसिपी को कंप्लीट देखा करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से मोहब्बत है प्यार है, और पूरी रेसिपी देखा करें और बेल आइकन जो है उसको भी लाजम दबा दिया करें। आपके जो कमेंट्स हैं उनका इंतज़ार रहता है, दिल को बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, उनका जवाब देना बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत अच्छी मसरूफियत भी लगती है कि इंसान बैठ के आराम से देखता है। आने वाले दिनों में और बहुत सी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की पूरी मेरे पास डिमांड्स आई, एक रिक्वेस्ट आई हुई हैं जो मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरी डालूंगी। और आई होप कि आप सबको मेरी आज की रेसिपी और हमेशा की तरह पहली रेसिपी की तरह ये भी बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।